तो आज का स्टोरी है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। इसको लिखा है किसने, एआर विलियम्स ने लिखा है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस स्टोरी में। टट का मीनिंग होता है, टट कोई मीनिंग नहीं है, राजा का नाम है, ठीक है। ये जो फोटो दिख रहा है ये टट का फोटो है, ठीक है। इसका टॉम को डिस्कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। ही वॉज अ टीनेजर वेन ही डाइड, मतलब कि जब ये टट मरा ना तब वो क्या था, टीनेजर था। मतलब इसका एज 13 से लेकर 19 के बीच में था। द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, मतलब कि ये आखिरी वारिस था एक पावरफुल परिवार का। वो परिवार रूल किया था इजिप्ट को फॉर सेंचुरीज तक, सदियों तक रूल किया था, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। इसको जब लेटाया गया जमीन में तब उसको लेडन विद गोल्ड, मतलब सोने के साथ लेटाया गया जमीन में, सोने से लदा हुआ, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। और उसको लेटाने के बाद क्या किया गया, इसको भूल गया गया, फिर कोई इसको याद नहीं किया। फिर सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, लेकिन 1922 में साइंटिस्ट लोग जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग खोज कर रहे थे तो इसका टॉम्ब मिल गया। टॉम्ब समझते हो, टॉम्ब मतलब ऐसा रूम जिसमें लाश को रखा जाए, ठीक है। इजिप्ट वाले लोग ऐसे ही करते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट वॉट हैपेंड टू हिम। तब उस समय का जो दुनिया था वो सब स्पेकुलेट करने लगा, मतलब गैस करने लगा कि ये मौत कैसे हुआ होगा इस राजा का। राजा का नाम क्या है, टट, और उसका एज कितना था जब वो मरा था, टीनेजर था। विथ मर्डर बींग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबने यही अनुमान लगाया कि इसका जो मौत का एक ही कारण है क्या है, मर्डर हुआ है इसका, ठीक है। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब टट हैज अंडरगोन अ सीटी स्कैन। बोलने का मतलब है अब इसका टॉम्ब आविष्कार हुआ था कब, 1922 में, ठीक है। उस खोज के बाद 80 साल बाद आज ये जो इसका लाश है फिर से निकल रहा है उस टॉम्ब से, क्या क्या होने के लिए, सीटी स्कैन होने के लिए। डेट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, और सीटी स्कैन होने के बाद नया नया तथ्य जानने को मिलेगा उसके लाइफ और डेथ के बारे में, ठीक है। मौत कैसे हुआ, अभी तक मौत का क्या अंदाजा लगा रखा गया है, मर्डर हुआ है उसका। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉर्सेनिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज परोवा। परोवा मतलब रूलर किंग, मतलब अभी तो देखो उसका जो, जानते हो पहले क्या होता था, मम्मी लोगों को लाश को कपड़ा में लपेट लपेट के रख दिया जाता था टॉम में, ठीक है। अब तो सिर्फ कंकाल बचा होगा, सिर्फ हड्डी बचा होगा। तो वो फॉर्सेनिक रिकंस्ट्रक्शन बोलने का मतलब है कि वो हड्डी का सीटी स्कैन किया जाएगा और उसका चेहरा बनाया जाएगा कि राजा का फोटो पहले ऐसा हो सकता था, ठीक है। स्कल स्कल में फिट किया जाएगा मांस, ठीक है। तो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अब देखते हैं मेन स्टोरी में क्या हो रहा है। लिखा हुआ है एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्ट सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग्स। कि जैसे ही उसको निकालने वाला का जब समय था, निकालने का जब समय था, एन एंग्री विंड बहुत ही गुस्सा गुस्सा वाला हवा क्या होगा, बहने लगा। विद घोस्ट स्टर्डिंग अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, और जैसे जैसे हवा बढ़ रहा है वैसे वैसे भूतिया धूलकण उड़ाते जा रहा है, ठीक है। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही किंग टट को निकालने वाले हैं उस समय ये हो रहा है। इन और ये किंग टट दफनाया कहाँ पर गया गया है, इन द एंशियंट इजिप्ट सिमेट्री। सिमेट्री जानते हो, ऐसा जगह जहाँ पर लाश को गाड़ा जाए, ठीक है। तो इजिप्ट सिमेट्री में गाड़ा गया है, और सिमेट्री का नाम क्या है, वैली ऑफ द किंग्स। ऐसा सिमेट्री जहाँ पर सिर्फ किसको गाड़ा जाए, किंग्स लोगों को, ठीक है। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वेयर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, बोला कि दिन भर ना क्लाउड जो है गहरा बादल, काला काला बादल घेर के रखा हुआ था आसमान को, और अब जब शाम हो गया है तो वो जो बादल है वो स्टार्स को भी वेल कर लिया है, स्टार्स के ऊपर भी मुखौटा का जैसा ढक लिया है उसको, ठीक है। इन कास्केट ग्रे, एकदम ब्लैक कलर जैसा। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और वो समय कब है जब उसको निकाला जा रहा है, 5 जनवरी 2005, और शाम को 6 बजे, ठीक है। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड
फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, और दुनिया का ये पहला मम्मी है, ठीक है, दुनिया का पहला मम्मी जो अपना सिर झुका रहा है किस पर, सिटी स्कैनर में, समझ रहे हो बातों को। ब्रॉट हेयर टू प्रोवाइड द लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब अनसॉल्व्ड, अनसुलझा पहलू, मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। बोला है कि ये सिटी स्कैन अगर हो जाएगा ये राजा का, जो कब मरा है, 3300 साल पहले मरा है, सिटी स्कैन होने के बाद उसका मौत का सब गुत्थी क्या होगा, सुलझ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट। बोला कि अभी तो शाम हो रहा है 6 बजे, बोला जा रहा है कि आज दिन भर दोपहर में दुनिया भर के लोग आए हुए थे, ठीक है, कहाँ पर आए हुए थे, इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैम्प मतलब स्मॉल रॉक कट टॉम्ब, वो जो टॉम्ब है एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है रूम, ठीक है, एंड सम 26 फीट अंडरग्राउंड, और वो टॉम्ब कितना नीचे है जमीन के, 26 फीट नीचे, समझ रहे हो कितना गहरा होगा ये, तो टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं रेस्पेक्ट देने के लिए, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं रेस्पेक्ट देने के लिए किसको, टट को, और वो टट टॉम्ब में है, और टॉम्ब कितना नीचे है धरती से, 26 फीट नीचे है। दे गेस्ट, गेस्ट मतलब देखते हैं, एट द म्यूरल्स, म्यूरल्स का मतलब होता है पेंटिंग्स ऑन द वॉल, वॉल में जो पेंटिंग बन जाए उसको वो क्या कहलाएगा, म्यूरल्स, तो जितने भी टूरिस्ट लोग आए हुए हैं वो सब म्यूरल्स देख रहे हैं, ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टर्स गिल्डेड फेस। सभी लोग म्यूरल्स देख रहे हैं, म्यूरल्स मतलब पेंटिंग्स देख रहे हैं वॉल पर, और साथ ही साथ टट का चेहरा भी देख रहे हैं। टट एक कॉफिन में रखा हुआ है, ठीक है, कॉफिन समझते हो, एक डब्बा जिसके अंदर लाश रखा हुआ है, तो वो कॉफिन काफ़ी डिजाइनदार है, उसका फोटो आपको दिख रहा होगा कि, तो वो कॉफिन के ऊपर ना उसका चेहरा बना हुआ है, और चेहरा क्या चीज़ का है, सोना का चेहरा है उस पर, ठीक है, परक चढ़ा हुआ है, तो सब कोई उसको देख रहे हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, और ये जो टट का गिल्डेड फेस है ये सबसे अनोखा फीचर है टट का, ठीक है, यही इसको अलग बनाता है कि सोना क्या चीज का परत से बना हुआ है, ये चेहरा क्या चीज का परत से बना हुआ है, सोना का। सम विजिटर्स, कुछ दर्शक तो ये भी बोल गए, नहीं, कुछ विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, धीरे धीरे फुसफुसा के गाइड बुक्स पढ़ रहे थे अंदर ग्रुप के, ठीक है। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे जो दर्शक थे वो लोग चुपचाप खड़े थे अंदर में कहाँ पर, टॉम्ब का अंदर में, ठीक है। Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. हो सकता है कि वो लोग सब शांति से यही सोच रहे होंगे कि ये टट इतना जवानी में कैसे मर गया, यही सोच रहे होंगे सब शांति बनाकर, ठीक है। Or wondering with shiver, या फिर काप उठ के ये सोच रहे होंगे कि if the Parwa's curse, Parwa मतलब ruler, कि ये जो टट का जो आत्मा है, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. बोला जा रहा है कि अगर ये आत्मा, हम लोग जोर जोर से बात किए और वो टट का आत्मा अगर डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर, तो कहीं हम लोग को वो श्राप ना दे दे, ठीक है, हम लोगों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए सब कोई क्या बना के खड़े थे, शांति बनाकर खड़े थे। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे देखो। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवास। बोलते हैं एक इंसान है जिनका नाम है जाही हवास, ये बोलते हैं कि वो टट को देखकर बोलते हैं, ठीक है, मम्मी को देखकर बोलते हैं कि द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, लाइक ये मम्मी का हालत तो काफ़ी ख़राब अवस्था में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, उसका मम्मी का हालत ख़राब क्यों है, टट का हालत ख़राब क्यों है, क्योंकि एक इंसान थे कार्टर, इन्होंने क्या किया था 1920s में, कुछ कर दिया था उसके साथ, समझ रहे हो बातों को, जोड़ोगे, 1922 में खोज हुआ था टॉम्ब का सबसे फर्स्ट टाइम में, और उसका कुछ दिन बाद आज फिर निकाला जा रहा है उसको सिटी स्कैन के लिए, ठीक है ना। तो अभी प्रेजेंट में जाही विश्वास नाम के इंसान है, ये बोल रहे हैं कि टट मम्मी का हालत तो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि कार्टर ने तोड़फोड़ दिया है, कार्टर मतलब वो इंसान जो 1922 में कुछ किए होंगे, समझ रहे हो बातों को, आप देखो आगे। और ये जाही हवस कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। तो ये जाही हवस झुक के देखते हैं कि मम्मी को देखते हैं और बोलते हैं कि अरे इसका कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है, इतना क्लियर है बात, अब देखो।
फिर बोला जा रहा है कार्टर, वो कार्टर, कार्टर वो कार्टर जो इंसान थे उनका फुल नाम है हावर्ड कार्टर, डेट इज वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, यही वो आर्कियोलॉजिस्ट है हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट स्टॉम, जिन्होंने 1922 में टट का टॉम को डिस्कवर किया था, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, बहुत सालों तक खोजने के बाद 1922 में टट का क्या मिला था, टॉम मिला था, किसको मिला था, हावर्ड कार्टर को, ठीक है। अब देखो इट्स कंटेंट्स, और वो टॉम के अंदर क्या क्या है, जितने भी सामान थे, दो हेस्टली रैनसैक्ड इन एंटीक्विटी, जब 1922 में जो टॉम मिला था तब ये कार्टर के क्या किए थे, सामान को इधर बितर कर दिए थे एकदम, ठीक है, तितर बितर कर दिए थे सब उल्टा पुल्टा, वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन जो भी था कंप्लीट था सामान, एक भी चीज मिसिंग नहीं था अंदर से। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, आज तक में मिला हुआ सबसे अनोखा शाही सामान वहां पर है, ठीक है, अनोखा अनोखा सामान था ये। टट मरे कब थे, 3300 साल पहले, तो उस जमाने का सामान भी आज तक है उस टॉम में। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द परोवास लीजेंड, और ये राजा का तो एक जीवन का हिस्सा होगा, ठीक है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, अच्छे अच्छे जेवर थे सोने के, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, और पहले का इंसान लोग जब दफनाता था ना तो सोचता था कि यह इंसान को आगे जन्म, अगले जन्म में भी जरूरत पड़ेगा ये सब सामान का, इसलिए जितना भी वस्त्र था बर्तन उर्तन सब दे देता था, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिसरेक्शन, मतलब रीबर्थ होगा तो, हाँ पुनर्जन्म। तो ये सब देख के साबित किया गया कि चलो इसका पुनर्जन्म हो जाएगा। कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, तो जब ये टॉम का डिस्कवरी हुआ था तो पूरा हल्ला मच गया था कि अरे वाह क्या सामान है। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, अब आज भी वो सब सामान आकर्षित करते हैं लोगों को, जो इतना अनोखा अनोखा सामान है उसके अंदर, राजा का सामान है तो अनोखा होगा ही, लेकिन उस जमाने का भी। फिर देखो क्या लिखा गया है, बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ, तो टट को ये सब जेवरात के साथ साथ कॉमन सामान भी दिया गया था जो उसको लगेगा अगले जन्म, अगले जन्म में, ठीक है। वो कॉमन सामान क्या था, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लेनिन अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, उम्मीद करते सबका मीनिंग समझ में आ ही गया होगा, ये सब दिया गया। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द परोवास फनररी ट्रेजर्स, तो महीनों तक एनालाइज करने के बाद कि क्या क्या सामान है, सामान का गुण कैसा है, महीनों तक एनालाइज किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन, कार्टर ने उसका सामान एनालाइज करने के बाद अब शुरू कर दिया कॉफिन को एनालाइज करना, कॉफिन में ही तो लाश है, और कॉफिन का जो लिड है उसका ढक्कन है, उसका खास बात क्या है कि उस पर गिल्डेड फेस बना हुआ है, सोना का चेहरा है गिल्डेड फेस। ओपनिंग द फर्स्ट, तो वो तीन लेयर का बना हुआ है, वो जो कॉफिन है उसमें कितना लेयर है, तीन लेयर, तो पहला लेयर जैसे ही खोलता है, ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव ट्री, उस श्राउड मतलब एक कपड़ा, उसको दिखा कि एक कपड़ा है वो सजा हुआ है, माला उला से सजा हुआ है, ठीक है, ये सब फूल से, विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, ये भी एक पत्ता का नाम है, लोटस पेटल, गुलाब की पंखुड़ियों से, कमल की पंखुड़ियों से सजा हुआ है, एंड कॉर्न फ्लावर्स, इससे भी सजा हुआ है, द फेडेड एविडेंस, और ये सब चीज़ क्या दर्शाते हैं, अब ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल, कि पक्का ये टट को कब दफनाया गया होगा, मार्च या फिर अप्रैल के महीने में, क्योंकि ये सब फूल तो उसी टाइम मिलते हैं। When he finally reached the mummy, जैसे ही वो मम्मी के पास पहुंच गया, मम्मी के पास मतलब श्राउड हटने के बाद मम्मी आया, ठीक है, though he ran into trouble, तब उसको एक दिक्कत का सामना करना पड़ा, वो दिक्कत क्या था, देखते हैं वो दिक्कत क्या था, the ritual resins, वो जो किशमिश होता है, resins मतलब किशमिश, वो जो किशमिश था had hardened, वो पूरा सूख के सख्त हो गया था, cementing tut to the bottom of his solid gold coffin, एकदम टट को सीमेंट के जैसा जोड़ के रख दिया था नीचे नीचे वाले कॉफिन में, ठीक है, मतलब टट को निकालना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था बहुत। तब देखो क्या बोलता है क्रेटर, क्रेटर बोलता है कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, बोलता है कि कितना भी दम लगा लो ये तो नहीं निकलने वाला है। क्रेटर रोट लेटर, उसने बाद में लिखा वट वॉज टू बी डन, तो उसके बाद करना क्या था, निकल नहीं रहा है तो देखो क्या उपाय सुझाया गया, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट,
देखिए इजिप्ट में सन का ताकत बहुत ज़्यादा होता है, तो क्यों ना इस तट कॉफिन को उठा के सन में रख दिया जाए, हो सकता है किशमिश ढीला पड़ जाए और वो तट निकल जाए। एंड क्रेटर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स, और क्रेटर ने यही कोशिश किया फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे तक, कुछ घंटे तक ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, उसने मम्मी को रख दिया पूरा तेज धूप में, देन हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट, उसको गर्म कर दिया गया 149 डिग्रीज फारेनहाइट तक, नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं नतीजा निकला। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, काफ़ी दुखी दुख के साथ उसने रिपोर्ट किया, क्या बोला उसने, उसने बोला द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चेसिल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, लाइक चेसिल्ड मतलब छेनी, मतलब छेनी से मारकर निकालना पड़ेगा इस तट को, ठीक है, उसमें से, एंड द ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग रिमेन, मतलब कि छेनी से मार के निकालो तभी संभव होगा उसको निकालना तट को। उसको पकड़ के कौन रखा है, किशमिश रेसिन, ठीक है, फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन हिज डिफेंस, और अपने बचाव में, तो ये तो करना काफी ठीक नहीं था ना, छेनी से मार मुड़ के निकालना टूट जाएगा, लेकिन तो उसने अपने बचाव में क्या कहा, कार्टर रियली हैड अ लिटल चॉइस, कुछ था नहीं उसके पास बचाव में, इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को काट के नहीं निकालता उस समय, थीप्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, हो सकता है कि रात को चोर आते और गार्ड्स को सर्कमवेंटेड कर देते, मतलब फ्रस्ट्रेट कर देते, मतलब धोखा दे देते गार्ड्स को और तोड़ताड़ के ले जाते, किसको, टट को कि सोना को, सोना को, तो टट तो ऐसे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसलिए अच्छा था कि वही तोड़ के निकाल ले, तो ये कहा रीजन अपने बचाव में क्रेटर ने, ठीक है। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वेर फैबुलसली वेल्दी, टट के जमाने में जो राजा लोग थे वो काफ़ी अमीर लोग थे, एंड दे थॉट और होप्ड, और उन लोगों का मानना था दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो लोग जितने भी संपत्ति कमा लें वो सब मरने के बाद भी ले जाएंगे, ये टट के जमाने लोग का, राजा लोग का मानना था, ठीक है। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स गुड्स, तो इसीलिए यही मानकर कि टट को भी जरूरत पड़ेगी अगले जन्म में, उसको भी पूरा लाद दिया गया था सोने के सामान से, और वो सामान था क्या क्या, प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स, सेरिमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीथ फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी सामान थे, सब शुद्ध सोने के बने हुए थे, ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिखा गया है, लिखा गया है टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, तो टट को जब अलग करने के लिए, उसका सोने उना से अलग करने के लिए, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड, पहले क्या किया, मम्मी का जो हेड था, सिर का खोपड़ी था, उसको निकाल लिया पहले, एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और शरीर का जितना भी ज्वाइंट है हर जगह छेनी से मार मार के क्या कर दिया, तोड़ दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जैसे ही तोड़ना का काम हो गया, और दे रीअसेंबल द डिमेंस ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग, फिर से उन्होंने रीअसेंबल कर दिया, फिर से सजा के रख दिया मिट्टी पर, ताकि मिट्टी में तो हिले डुलेगा नहीं, ठीक है, स्टेबल रहेगा। दैट कंसील द डैमेज, और वो मिट्टी छिपा रहा था क्या, उसका टूटापन। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और वही बेड में आज टट रेस्ट कर रहा है, ये सब तो पास्ट का बात है 1922 का, ठीक है। अब देखो फिर बोला गया है आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, 1922 के बाद, 1922 का आर्कियोलॉजी और आज का आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी समझते हो, जमीन खोद खोद के जो भी चीज़ मिलता है सामान उमान, वो सबका अध्ययन करना कि पहले लोग कैसे रहते थे, ठीक है, तो ये अध्ययन करने का तरीका उस जमाने से आज का जमाने में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, पहले के जमाने में खाली फोकस करते थे जेवरात पर, सामान क्या है इंसान के साथ, एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, लेकिन आज का आर्कियोलॉजी क्या पे फोकस करता है कि वो इंसान जीवन कैसे जीता था,
ठीक है, एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मौत कैसे हुआ ये सब चीज पता करता है कौन, आज का आर्कियोलॉजी. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और इसके साथ साथ काफ़ी औजार भी यूज किया जाता है आज के आर्कियोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंट सब, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और मेडिकल के फील्ड में भी काफ़ी नया नया टेक्नोलॉजी आ चुका है. इन 1968 अब डेट पता चला, ठीक है, आज का डेट मतलब 2018 नहीं है, 1968 है, समझ रहे हो बातों को. मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर क्रेटर्स डिस्कवरी, क्रेटर ने डिस्कवरी कब किया था, 1922 में ना, आज हो गया 1968, मतलब लगभग 40 साल बाद. एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. अच्छा ये 1968 मतलब कोई 20 का तारीख है, ठीक है, तो उस समय भी एक एक्सरे किया गया, और एक्सरे करने का बाद एक बहुत ही अजीब चीज़ पता चला. क्या पता चला, पता चला कि बीनीथ द रेसिन, किशमिश के नीचे, दैट केक्स द चेस्ट, जिस पर चेस्ट रखा हुआ है, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, छाती का जो हड्डी है वो मिसिंग है कुछ कुछ, ठीक है, ये एक्सरे से पता चला. ये एक्सरे किया कब क्या, 1968 में, ठीक है, तो लिखा गया है. अब टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब कि आजकल तो एक्सरे के अलावा क्या टेक्नोलॉजी आ गया है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, शॉर्ट में बोलते हैं सीटी स्कैन, सब कोई सुना है सीटी स्कैन. सीटी स्कैन में क्या होता है कि बहुत सारा एक्सरे लिया जाएगा, ठीक है, एक गोल चीज में ढुका के बहुत सारा एक्सरे लिया जाएगा, और एक्सरे को एक के ऊपर एक रखेंगे ना, एक के ऊपर एक, तो वो 3D इमेज जैसा बनेगा. 3D इमेज क्या है समझते हो गए लगता है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर. देखो वही लिखा गया है कि लगभग 100 एक्सरे किया जाता है, सबको एक साथ रखा जाएगा, लाइक स्लाइड्स ऑफ ब्रेड, देखो ब्रेड का जैसे रखा जाता है वैसे ही एक्सरे करके एक के ऊपर एक रखा जाएगा, और 3D इमेज बनेगा, टू क्रिएट अ 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, एकदम शरीर जैसा दिखेगा वो. वॉट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन एक्सरे, तो बोला गया है कि आज सीटी स्कैन होने वाला है, तो देखा जाए वो एक्सरे का बाद ये सीटी स्कैन क्या नया बताता है, ठीक है. एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या वो दो सवाल का जवाब दे पाएगा, वो दो सवाल है कौन, हाउ डिड ही डाइड, उसका मौत कैसे हुआ, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो मरने के समय में कितने उम्र का था, यही दो मेन सवाल का जवाब पता करना है सीटी स्कैन करके, ठीक है यहाँ तक. किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, किंग टट का मरना काफी बड़ा अवसर था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, पहले का से कंपेयर किया जाए तो इसका मरना काफी अजीब था. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, उसके परिवार में खानदान का सबसे इकलौता वारिस था वो. एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और इसका मरने का बाद भी इसका पूरा साम्राज्य का ही वंश का ही अंत हो गया. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन इसका मौत कैसे हुआ और मौत के बाद क्या हालात हुआ इजिप्ट का, ये अभी भी अनक्लियर है, पता नहीं चला है किसी को. अब देखो एक स्टोरी उठाया गया है फिर पास्ट से, लिखा हुआ है एमेनहोटेप 3, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, टट के पिताजी या फिर दादाजी होंगे ये एमेनहोटेप 3. वॉज अ पावरफुल फरोवा, एक पावरफुल रूलर थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades, जिन्होंने कितने डिकेट्स तक राज किया था, 4 decades, एट द हाइट ऑफ द 18th dynasty's गोल्डन एज. 18th dynasty's गोल्डन एज का मतलब होता है लगभग आज से 3000 साल पहले, मतलब 1000 BC, ठीक है, BC समझते हो, बिफोर क्राइस्ट. और एमेनहोटेप का जो सन है, देखो फिर लिखा गया कि हिज सन एमेनहोटेप 3 का बेटा एमेनहोटेप 4 सक्सीडेड हिम, उसके बाद बैठ गया राजा का कुर्सी पर, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, और चालू कर दिया सबसे अजीब सा पीरियड इजिप्ट का इतिहास में. द न्यू परोवा प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन द सन डिस्क, ये जो नया रूलर था एमेनहोटेप 4, इसने एटेन का पूजा को प्रमोट किया,
ठीक है, एटेन को नहीं पूजा, एटेन एक भगवान का नाम है, सन का सोच लो, ठीक है, पहले इसका पूजा नहीं होता था लेकिन अब इन्होंने प्रमोट कर दिया कि सन का पूजा करो। तो एमेनहोटेप फोर जो थे उन्होंने पूजा शुरू कर दिया किसका, एटेन का। एटेन किसका गॉड है, सन का गॉड है। चेंज हिज नेम टू एखेनातेन और अपना नाम एमेनहोटेप फोर से चेंज करके क्या रख लिया, एखेनातेन। इसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन, एटेन भगवान के नौकर, ठीक है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ एखेतातेन। और पहले का जो कैपिटल था थेबिस, वहां से कैपिटल को मूव करके कहाँ ला दिया, एखेतातेन तक। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ नोन एज अमरना, और आज वो एखेतातेन का नाम क्या पड़ा है, अमरना। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाई अटैकिंग अमून। एक तो शॉक पहले ही दे दिया कि इसका पूजा शुरू कर दिया एटेन का, और एक शॉक क्या दे दिया, अटैक कर दिया किस पर, अमून पर। अमून कौन है, अ मेजर गॉड, पहले का जो बड़ा भगवान था उस पर, उसका मंदिर पर अटैक कर दिया, ठीक है। स्मैशिंग द हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसका जितना भी मूर्ति था सब तोड़ दिया और मंदिर बंद करवा दिया अमून भगवान का। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम सेड रे जॉनसन, तो रे जॉनसन नाम के एक इंसान है, वो बोलते हैं कि ये काफी बुरा समय रहा होगा। और ये रे जॉनसन डायरेक्टर है ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सोर द सिटी ऑफ एंशियंट थीब्स, यहाँ के एक डायरेक्टर है रे जॉनसन। द फैमिली डेट रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, तो वो परिवार जो सदियों तक राज किया आज वो अंत होने जा रहा था। एंड देन एखेतातेन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसीलिए एखेतातेन क्या हो गया, थोड़ा पागलपन तरह बिहेव करने लगा। आफ्टर एखेनातेन्स डेथ, और एखेनातेन का मौत का बात, मतलब एमेनहोटेप फोर है ना यही, तो इसका मौत के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इस्मेन खाकरे अपीयर्ड ब्रीफली, एक बहुत ही रहस्यमय रूलर थे जिनका नाम है इस्मेन खाकरेन, ये बहुत ही कम समय के लिए राज किए, एक्सिटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, और मर गया, एग्जिट हो गया, मर गया बिना कुछ अपना छाप छोड़े। एंड देन अ वेरी यंग टूटन खातेन टू द थ्रोन, और तब हमारा नौजवान टूटन खातेन राजा के कुर्सी पर बैठ गया, और वही टूटन खातेन क्या है, टट है, शॉर्ट में उसको बोला जाता है, ठीक है, किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, आज उनका नाम किससे प्रसिद्ध है, द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटन खामून, और उसने भी अपना नाम चेंज कर लिया टूटन खामून में। इसका मीनिंग होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून, अमून का इमेज। तो जो एमेनहोटेप फोर ने भगवान को जो तोड़ दिया था वो भगवान का नाम इसने रख लिया फिर से, ठीक है। एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और फिर से पुराना रीति रिवाज स्थापित करने लगा ये। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, इसने कितने सालों तक राज किया, 9 साल तक राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद अचानक से रहस्यमय मौत हो गया, और वही मौत का गुत्थी तो आज सुलझा रहे हैं क्या करके, सीटी स्कैन करके। अब आगे देखो क्या होता है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। तो टट भले ही कितना ही महान रहा हो, ठीक है, कोई भी रहा हो, लेकिन आज टट क्या क्या बनकर रह गया, सिर्फ एक ममी है, बहुत सारे ममी के बीच में एक ममी, और कुछ नहीं है वो। हाउ मैनी, और वो कितने सारे मम्मी है यहाँ पर, नो वन नोस, अनगिनत मम्मी है यहाँ पर, ठीक है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चला है इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जो 2003 से चला आ रहा है, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, आज तक 600 मम्मी का खोज हो चुका है, ठीक है, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और उसका संख्या अभी भी बढ़ रहा है, और उसी 600 मम्मी में से एक मम्मी है टट का। द नेक्स्ट फेज, और अगला पड़ाव क्या था, स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। मम्मी लोग का खोज करने के बाद क्या करना है, उसका सीटी स्कैन करना है, एक फेज चला है, ठीक है, ऐसा ही करना पड़ता है सबका। और वो सीटी स्कैन मशीन एक गाड़ी में रखा जाता है, ठीक है, और गाड़ी को ले जाके वहाँ पर कराया जाता है, और वो मशीन डोनेट किया है किसने, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने, ठीक है, काफ़ी डाटा है यहाँ पर याद करने के लिए। इट्स मैन्युफैक्चरर,
अब देखो आगे क्या लिखा गया है, लिखा गया है किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैंड। तो सबसे पहले मम्मी है किंग टट, आज स्कैन होने जा रहे हैं। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मेड। तो अपना जो जब जिंदा थे ये तभी भी सबसे आगे थे, आज मरने के बाद भी सबसे आगे हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो। एक सीटी स्कैन वाला जो मशीन होता है वो सिर से लेकर पांव तक स्कैन करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस। कितना तो एक्सरे किया जाता है, 1700 एक्सरे किया जाता है इन क्रॉस सेक्शन पूरा शरीर का। टर्ट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। तो 0.62 मिलीमीटर पतला स्लाइस बना बनाकर स्कैन किया जाता है, ठीक है, उतना पतला पतला लगते लगते एक 3D इमेज बनेगा। टेक्स अन अर डिटेल इन रिजल्टिंग इमेज, और बारीकी से बारीकी चीज को भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। विथ टर्ट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फोर्सेनिक्स एंड एनाटोमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ द ग्लाइडेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। तो वैसा ही एक टीम आया था आज जो स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी में, फोर्सेनिक्स में और एनाटोमी में, आज तैयार थे वो सीक्रेट्स को सुलझाने के लिए, पता करने के लिए, जो एक गॉडेस है, जो देवी है, वो देवी जो बचा के रखी है सीक्रेट को, आज वो सीक्रेट निकालने आई थी। द नाइट ऑफ द स्कैन, और वो रात जिस दिन वो स्कैन होने वाला था, ठीक है, स्कैन कब होने वाला था एक बार देख लेते हैं। 5th जनवरी 2005 में स्कैन होने वाला था। उस रात को वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। जो जितने भी लोग थे कारीगर लोग, वो लोग टट को कैरी कर रहे थे टॉम को, ठीक है, ऐसे टट को टॉम से निकाल रहे थे। वो टॉम कितना नीचे है धरती के, 26 फीट नीचे, तो वहां से निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है। लाइक पॉल बियरर्स, पॉल बियरर्स मतलब वो लोग जो लास्ट कैरी करते हैं, ठीक है, आपको फोटो में देखने को मिलेगा। दे क्लाइम्ड अ रैंप, एक सीढ़ी बनाकर ऊपर उठे, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। और अंदर तो टॉम का अंदर पूरा खामोशी था, लेकिन बाहर निकलते ही पूरा धूल धूल उड़ रहा है, उसमें आ गए, मतलब टट को बाहर निकाल चुके हैं अब, ठीक है। देन रोज इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू अ ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और फिर करते करते गाड़ी में ढुक गए। 20 मिनट्स लेटर, और 20 मिनट बाद टू मैन इमर्ज्ड, दो लोग वो मशीन से बाहर निकलते हैं। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, स्प्रिंटेड मतलब सर्च्ड, खोज रहे हैं कोई ऑफिस खोज रहे हैं, दो लोग बाहर निकले मशीन के बाहर और खोज रहे हैं क्या, ऑफिस खोज रहे हैं, पता नहीं ऑफिस में क्या चाहिए लोगों को। एंड रिटर्न्ड विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और ऑफिस ढूंढ भी लेते हैं और क्या लेके आते हैं वापस, दो ठो प्लास्टिक का फैन लेके आते हैं, दो ठो। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, और वो जो लाखों डॉलर महंगा जो स्कैनर था वो काम करना बंद कर दिया था, क्यों, क्योंकि जो इतना मिट्टी था ना, मिट्टी घूमते घूमते मशीन में ढो गया, मतलब मशीन खराब हो गया था, उसके दो ठो प्लास्टिक का फैन लाना पड़ा। तभी एक गार्ड था, वो गार्ड ने क्या बोल दिया, कर्स ऑफ द परवा, देखो बोला कि देखो ये जो राजा का आत्मा है उसी ने मशीन बंद करवाया होगा, ठीक है। जोक द गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने जोक छोड़ा, ठीक है, नर्वस हो गए काफी। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल, लेकिन जो दो फैन लाया था वो दो फैन काम कर गया, इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, चेक कर लिया गया कि कुछ चीज मिसिंग तो नहीं हो गया, द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, फिर से टेक्नीशियन लोग वो टट को दे देते हैं, कारीगर लोग को दे देते हैं कि जाओ रख के आ जाओ, कहाँ पर रख के आ जाओ, टॉम्ब में, टॉम्ब कितना नीचे है, फीट। Who carried him back to his tomb? Less than 3 hours after he was removed from his coffin. तो एकदम 3 घंटे के अंदर ही उसको निकाला गया, रख दिया गया, 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगा इसमें। The Parowa again rested in peace. और वो जो ruler था फिर से rest करने लगा किसमें, शांति में। Where the funerary priest has laid him so long ago. जहां पर पंडित लोगों ने
उधर उसे सुलाया था, आज वो फिर वही शांति में वापस चला गया। बैक इन द ट्रेलर और वो मशीन में फिर से अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टर्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो एक टेक्नीशियन था जो कंप्यूटर का स्क्रीन में दिखा रहा था, देखो ये रहा इमेज, ये रहा ऐसा सिटीज के नया है, ऐसे दिखा रहा है स्क्रीन में। अ ग्रे हेड टुक शेप, तो दिखा गया कि एक काला काला सिर शेप ले रहा है स्क्रीन में कंप्यूटर में, ठीक है। फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, छोटा छोटा डॉट से। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियन पूरा घुमाया जा रहा है कि इस तरीके से सिर देखो, इस तरीके से सिर देखो स्क्रीन में, ठीक है, हर तरीके से दिखा दिया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, और गला का जो हड्डी है वो तो इतना क्लियर दिख रहा था कि लग रहा था कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। डॉक्टर लोग को क्लास होता है, डॉक्टर लोग का क्लास उसमें दिखाया जाता है, वैसे ही क्लियर दिख रहा था। अदर इमेजेस रिवील्ड इन हैंड, और दूसरे इमेज सब क्या दिखा रहे थे, हैंड हाथ देखने को मिला। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, छाती का हड्डी देखने को मिला। एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और सिर का भी हड्डी देखने को मिला। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब वो टेंशन नहीं रहा, टेंशन खत्म हो गया, प्रेशर कम हो गया। अब सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, और जाही हवास इसी के ऊपर तो जिम्मेदारी था ये सब कराने का, वो अब चेयर पे बैठ के शांति से बैठा हुआ है। विजिबली रिलीव्ड, और दिख रहा था उसके चेहरे पर कि ये काफ़ी शांति से बैठा हुआ है। डैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उसको खुशी हुआ कि चलो कुछ बुरा तो नहीं हुआ इसमें। और वो क्या बोलता है, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, वो कहता है कि हम तो पिछला रात सोए ही नहीं थे, कौन नहीं सोआ था, जाही हवास। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोए थे, ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन मुझे इतना टेंशन था कैसे होगा स्कैन, ठीक है, लेकिन आज हम शांति से सोएंगे, बोल रहा है। और फिर देखो आगे अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और है। फिर बोला जा रहा है बाई द टाइम वी लेव द ट्रेलर, और जब तक कि तब तक हम ट्रेलर छोड़े, डिसेंडिंग मेंटल स्टेयर्स, मेटल स्टेयर्स मतलब धातु का जो सीढ़ी था, लोहे का सीढ़ी था, उससे उतरा टू द स्टैंडिंग ग्राउंड, वो बलुई ग्राउंड पर उतर गया, ठीक है। द विंड हैड स्टॉप, लेकिन हवा अब शांत हो चुका था, जब तक सिटी स्कैन नहीं हुआ था तब तक पूरा अशांति अशांति था, हवा बह रहा था, लेकिन अब सब शांति। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, और वो हवा इतना ठंडा था, ठंडा का मौसम भी था और हवा भी इतना ठंडा था कि लग रहा था कि मौत जैसा ठंडा था, जानते हो डेथ को हमेशा ठंडा से तुलना करते हैं। इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, और यहाँ पे मौतों का दुनिया में पूरा शांति शांति, ठंड हर जगह। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टॉम्स टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, तो टट का जो टॉम्ब था उसका जो गेट है, गेट के ठीक ऊपर ओरियन शेप का तारा था, कॉन्स्टिलेशन, तारा जानते हो शेप बनाता है बादल में, तो वैसा शेप का एक तारा था, ठीक है, ओरियन शेप का। द कॉन्स्टिलेशन डेट एंशियंट इजिप्ट न्यू एज द सोल ऑफ ओसीरिस, अब वो कॉन्स्टिलेशन को यूरोप इजिप्शियन लोग क्या मानते हैं कि वो ओरियन जो है ना वो आत्मा है ओसीरिस का। अब ओसीरिस कौन है, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मौत के बाद जो भगवान होता है, जैसे हिंदू लोग में होता है ना, कौन होता है हिंदू लोग में, हाँ, तो जैसा हिंदू लोग में भगवान होता है चित्रगुप्त और यमराज, वैसा ही ये लोग का भी मानना है कि ओसीरिस नामक एक भगवान थे, उनका ही शेप बना हुआ था ऊपर में, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन का रूप में। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो सब देख रहे थे कि वो बॉय शांति से है कि नहीं। उम्मीद करते कहानी समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म।